नायब तहसीलदार हंदवाड़ा शबशीर अहमद ने राजस्व कर्मचारियों के साथ उन व्यक्तियों पर जुर्माना लगाया जो लॉकडाउन में दुकानें खोलते हैं। लॉकडाउन के वॉलंटियर्स ने 5700 नगद भी वसूले। स्थानीय समाज हंदवाड़ा इस कदम के लिए नायब तहसीलदार हंदवाड़ा बशीर अहमद की सराहना करता है। राजस्व विभाग के अनुसार प्रशासन पिछले 3 दिनों में 30,000 रुपए का जुर्माना लगा चुका है। हंदवाड़ा शहर ओवाड़ीपोरा में मीडिया से बात करते हुए नायब तहसीलदार बशीर अहमद ने स्थानीय जनता से मास्क का उपयोग करने की अपील की। जब आप घरों से बाहर निकले तो सामाजिक दूरी बनाए रखें। उन्होंने कोविड-19 के आदेश की अवहेलना करने वालों के लिए सख्त कार्रवाई करने के लिए पुलिस हंदवाड़ा से अपील की है। सर, यहाँ पर बेशक नायब तहसीलदार हंदवाड़ा यही हूँ, मैं सुबह सवेरे से यहाँ पर इसी के पीछे पड़ा हूँ कि दफा 144 जो है ये मुकम्मल तौर यहाँ पर लागू होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं ये फजूल तरीके से इधर उधर घूम रहे हैं और इनको ये पता ही नहीं है कि जो ये महामारी इस वक्त है कि इसे हमें आइंदा जो है इसे कौन से हमारे पास नुकसान हैं। ये वो महामारी है कि जिससे सोशल डिस्टेंस होनी ज़रूरी चाहिए और अगर ये नहीं होगी तो इसमें इंसान सोशली ख़त्म हो जाता है। मैंने सुबह से आज तक आप भी मेरे साथ इस वक्त यहाँ मिल गए, मैंने इस वक्त तक 9,700 रुपये इस कार्रवाई पर जुर्माने। लेकिन तकरीबन 3 दिनों से अगर आप देखें, 3 दिनों से लगातार जो है बशीर साहब आप कंटिन्यूसली इलाकों में जाके जो है जुर्माना कर रहे हो लोगों को, तो क्या जो मैसेज रहेगी लोगों के लिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी क्या मैसेज रहेगी? इस वक्त माह रमजान का महीना भी है, मैं लोगों को यही अपील कर रहा हूँ कि जिस तरीके से मैं पिछले 4 दिनों से तकरीबन 5 दिनों से यहाँ पर हर एक गाँव मोहल्ला खासकर मार्केट में कंडी नतनुसा वडकूट मैं चला गया हूं और वहां पर लोगों को ये अवेयरनेस दे दी कि आप मास्क पहने और जो ये महामारी है इसके साथ लड़ें ताकि हम इसमें कामयाब हो जाएं। लेकिन जो वॉयलेशन कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? उसके खिलाफ हम यही कार्रवाई कर रहे हैं कि जुर्माना कर रहे हैं, जो इस वक्त तक मैंने लेकिन बशीर साहब 30,000 रुपए तक जुर्माना। लेकिन सिर्फ जुर्माने से ही बात नहीं चलेगी ना, क्योंकि जुर्माना ये देकर फिर भी अपनी दुकानें चला रहे हैं। मैं ये इस पर एक और बात कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ के जो दुकानदार हैं खासकर यहाँ पर जो ज़ियाज़त लोग हैं इनको भी इस बारे में यहाँ पर आगे आना चाहिए ताकि जो ये लोग हैं ये समझ लेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन कितना, मतलब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये कुछ बंदों पर मुनहसर है। यहाँ पर सबसे बड़ा जो फोर्स है वो पुलिस का है, वो पुलिस इसमें भी दिलचस्पी ले लें ज़्यादा से ज़्यादा। वो दिलचस्पी ले रहे हैं लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि काम ही दिलचस्पी